नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं स्टडी पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को इस वीडियो का बेसब्री से इंतजार था। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएचयू बीए आर्ट्स फैकल्टी एंड सोशल फैकल्टी में फाइनली 2024 में जो कॉम्बिनेशन अलॉट हुआ है, जो सब्जेक्ट अलॉट हुआ है, उसमें जो गड़बड़ी है बेसिकली उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। गड़बड़ी इसलिए है क्योंकि आप लोग के सामने वो सभी चीजें ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं रखी गई जो रखी जानी चाहिए थी। होता क्या है कि आप लोग अभी 12वीं से आए हो, स्कूल से जस्ट निकले, आपको जो चीज बताया जाएगा कि यही सत्य है तो आप उसी को सत्य मान लोगे, लेकिन जब आप पूरे फैक्ट को समझोगे तब आपको समझ में आएगा कि नहीं, ये तो आपके साथ एक गड़बड़ी है, एक तरह से ये एक स्कैम है। तो फाइनली हम लोग बहुत अच्छे से इस बात को समझेंगे। इस वीडियो को बनाने का जो मेरा मकसद है वो है अवेयरनेस। कारण ये है कि इस साल यानी 2024 में लगभग 2000 बच्चे 3000 बच्चों के साथ तो चलो मान लिया कि स्कैम हो गया है। इस पे भी आवाज उठाना चाहिए, जितने यूट्यूब चैनल है उनको भी साथ आना चाहिए, जो भी संगठन है बेसिकली जो बीएचयू में युवा संगठन है उनको भी साथ आना चाहिए, और बेसिकली हमारे बीएचयू वीसी से ये बात पूछनी चाहिए कि आपने किस बेसिस पे ये सब चीजें कराया। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, अब मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं, आप लोग तो ध्यान से समझिएगा मैं कौन कौन से ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं। प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि बस आपके लिए फायदेमंद नहीं है, आने वाली जनरेशन के लिए भी फायदेमंद है। आपके घर में अगर एक बच्चा भी बीएचयू में आना चाहता है तो आप उसके लिए वीडियो देखो। ऑलरेडी अगर आप बीएचयू में पढ़ रहे हो तो ये देखो कि आप अगर एडमिशन लिए तो आपको कौन सी चीजें जो नहीं बताएंगे, ठीक है। बेसिकली ये वीडियो में बात कर रहा हूँ बीएचयू की एक फैकल्टी है जिसको बोलते हैं आर्ट फैकल्टी, ठीक है। यानी हमें बीएचयू से अगर बीए करना है तो हमारे पास दो फैकल्टी है, या तो आप आर्ट्स फैकल्टी से करो या आप सोशल फैकल्टी से करो। हम लोग जनरली सोशल फैकल्टी को प्रीफर करते थे लेकिन आर्ट्स फैकल्टी को भी प्रीफर करते हैं क्योंकि इसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लगभग मिलते जुलते रहते हैं। आर्ट्स में फॉरेन एंड इंडियन लैंग्वेजेस ज्यादा रहते हैं, कुल मिला के हमें पता होता है कि हाँ हमें ये सब्जेक्ट मिलेगा, इस फैकल्टी में मिलेगा, तो हम लोग उस फॉर्म को फिलअप करते थे, ठीक है। बहुत से बच्चे कॉमन फॉर्म भी फिलअप करते हैं, अगर बीए करना है तो सोशल भी डाल दो आर्ट भी डाल दो, ऐसा होता था। लेकिन 2024 बच्चों एडमिशन जो लिए हैं इनके साथ जो हुआ वो बड़ा ही गलत हुआ। हुआ कैसे उसको समझाने से पहले बताता हूं कि कॉम्बिनेशन बनता कैसे है। इस सब्जेक्ट्स को बोला जाता है कोर सब्जेक्ट्स, यानी कि सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट टू एंड सब्जेक्ट थ्री, इसको बोला जाता है कोर सब्जेक्ट्स। इस कोर सब्जेक्ट्स में जो पहला होता है सब्जेक्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऑनर्स, ठीक है। ये हम लोग का ऑनर्स होता है बेसिकली, यानी ये सब्जेक्ट्स में स्पेशलाइजेशन बताता है कि हाँ मेरा हिस्ट्री ऑफ आर्ट से या फिलोसफी से या हिस्ट्री से या ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक से, साइकोलॉजी से, सोशियोलॉजी से हमारा ऑनर्स हुआ है, ये पहला सब्जेक्ट बताता है। दूसरा क्या होता है, कोई भी सब्जेक्ट हम मान लेते हैं, सब कुछ मैं मान लिया पाली, ठीक है, पाली एक इंडियन लैंग्वेज है, पाली मान लिया एक सब्जेक्ट सही है, साथ ही साथ यहाँ पे मान लिया एक फिलोसफी, ठीक है, चलो मैं फिलोसफी मान लिया। सब्जेक्ट टू और सब्जेक्ट थ्री जो होते हैं ये हम लोग को थर्ड ईयर में चेंज करने का एक मौका देता है, यानी कि अगर आपका ऑनर्स यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है, आपके चॉइस का नहीं मिलता है, आपको चाहिए हिस्ट्री और हिस्ट्री नहीं मिला, अगर आपको हिस्ट्री यहाँ मिल गया है तो थर्ड ईयर में ये चेंज करने का एक मौका मिलता है, जो कि अभी ट्रांसपेरेंट नहीं है कि इस साल मौका मिलेगा कि नहीं। यानी जो बच्चे 2024 में आए हैं इनको 3 साल बाद मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 4 साल बाद मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बात कंफर्म नहीं है। यहां तक गड़बड़ी नहीं है, ये कॉम्बिनेशन है, इसको कोर बोला जाता है। इस बार भी ये 3 सब्जेक्ट्स का ही कॉम्बिनेशन बनाया गया, लेकिन ये अलॉटमेंट इस बार गूगल फॉर्म के थ्रू हुआ। पहला सब्जेक्ट इन्होंने प्रेफरेंस पोर्टल पे दिया भरने के लिए, जिसको इस बार बोला गया है मेजर सब्जेक्ट्स, बाकी के दो को इन लोगों ने क्या नाम दे दिया, माइनर सब्जेक्ट्स, ठीक है। इसका यहां भी नहीं हुआ, लेकिन हम लोग कॉम्बिनेशन में एक चीज भूल रहे हैं, यहाँ पे एक लैंग्वेज भी होता है आर्ट्स फैकल्टी या सोशल फैकल्टी में, इसको एंसिलरी सब्जेक्ट्स आर्ट्स फैकल्टी में लैंग्वेज बेसिकली बोला जाता है। इसमें भी 8-9 लैंग्वेजेस होते हैं, इंडियन लैंग्वेजेस होते हैं, हिस्ट्री सॉरी इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, उर्दू, ऐसा कुछ होता है, आपको ये मिल जाता है पढ़ने के लिए। अब हम लोग चलते हैं स्कैम कहां पे हुआ है, ठीक है, ओके। ये है बीए, बीएचयू में बीए करना है तो आर्ट्स फैकल्टी से भी कर सकते हो, सोशल फैकल्टी से भी कर सकते हो। टोटल आर्ट्स फैकल्टी में अगर मैं लगभग सीटों का गणना करूं, टोटल सीट काउंट करूं, तो लगभग मान के चलता हूं 2500 प्लस, ठीक है, एक ऑन एन एवरेज मान लेते हैं 2500 प्लस, ठीक है। अगर मैं सोशल फैकल्टी में टोटल सीट एफिलेटेड मेन कैंपस सब मिला के चलूं तो ये हो जाते हैं कुछ 1800 सब्जेक्ट, ठीक है, 1800 सीट, 1800 सीट इधर हो गया कितना, 2500 सीट लगभग ऑन एन एवरेज सब मिला के, डीएवी एफिलेटेड कॉलेज एमएफबी सब मिला के लगभग इतना। अब आप एक बात बताओ,
सबसे पहले हम लोग अब सीधे आ जाते हैं कि आर्ट फैकल्टी में इन्होंने कौन कौन सब्जेक्ट हटा दिए हैं। जो कॉम्बिनेशन बेसिकली बनता था उसमें आर्ट फैकल्टी में स्टैट भी हुआ करता था, पॉलिटी भी हुआ करता था, सोशियोलॉजी भी हुआ करता था, इकोनॉमिक्स हुआ करता था, मैथ्स हुआ करता था, हिस्ट्री हुआ करता था और साइकोलॉजी भी हुआ करता था। अभी स्क्रीन पे जो आर्ट फैकल्टी का सब्जेक्ट दिख रहा है ये इस बार के आर्ट फैकल्टी में, बीए आर्ट फैकल्टी में ये रिमूव कर दिया गया है, ठीक है, ये रिमूव हो गया है। अब ये सब्जेक्ट आपको यहाँ के किसी भी कॉम्बिनेशन में नजर नहीं आने वाला है, इसका कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, इन्होंने इंटरनली इसको डिसाइड किया। मैं मानता हूं चलो ये डिसीजन अगर इन्होंने लिया तो ठीक है, ऑफिस लेवल पे लिया होगा, अभी तक भी स्कैम नहीं है। स्कैम कहां है, आपने जब आज के 5-6 महीने पहले सीओटी का फॉर्म आया उस समय भी ये डिसाइड करके नहीं रखा था कि आर्ट्स फैकल्टी का फॉर्म भरोगे तो हमें सब्जेक्ट नहीं देंगे, चलो ठीक है। आपने जब पीएचयू के काउंसलिंग कराई तो उस समय भी कहीं भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है कि ये सब्जेक्ट हटा रहे हैं। जो बच्चा भी यहाँ पे पॉलिटी की लालच में आ रहा है, पॉलिटी अपने डिजर्विंग मार्क्स बेसिस पे आ रहा है, हिस्ट्री लेने के लिए आ रहा है, साइकोलॉजी लेने के लिए आ रहा है, सोशियोलॉजी लेने के लिए आ रहा है, तो अब हम उसे आर्ट फैकल्टी में नहीं देंगे। स्कैम यहाँ पे है, सपोज कि कोई लड़का सोशल का फॉर्म ही ना डाला हो, वो बस आर्ट्स का फॉर्म डाला और अचानक से आप इंटरनली एक टीम बना के इस तरीके का डिसीजन लेते हो कि हाँ ये सब्जेक्ट हटा देते हैं। अब एक बात बताओ, अगर हम ये कुछ 6-7 सब्जेक्ट हटा देते हैं तो ये बेसिकली प्रिफरेंस अब दिखता कैसा, इस पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। ये इनका एक स्क्रीनशॉट है जो इन्होंने गूगल फॉर्म के थ्रू बचे हुए माइनर 2 सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। यहाँ पे हिंदी है, पाली है, फिलोसफी है, इंग्लिश है, बंगाली है, संस्कृत है, फ्रेंच है, हिस्ट्री ऑफ आर्ट है, लिंग्विस्टिक है, उर्दू है, अरेबिक है, चाइनीज है, जर्मन है, पर्सियन है, जापानीज है। कहने का मतलब ये है ये तो एक लैंग्वेज फैकल्टी बना दिया आपने, आर्ट फैकल्टी में पढ़ाई सब्जेक्ट की भी होनी चाहिए, आपका जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो आर्ट सोशल फैकल्टी में। ये बहुत पहले एक बार मीटिंग करके आपको डिसाइड करना था कि हाँ कितने कॉम्बिनेशन सोशल में होंगे, कितने आर्ट्स में होंगे। आज अगर आप एनईपी का दावा देते हो तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी कभी भी दरवाजे बंद नहीं करेगा, वो दरवाजे खोलेगा, वो हमारे लिए अवसर लाएगा। आपने इन बच्चों के साथ जो 2024 में एडमिशन लिए हैं इनके लिए फ्यूचर में दरवाजे बंद कर दिए। अगर इसमें से कोई बच्चा यूपी बोर्ड में बीएड करना चाहता है तो बेसिकली अगर आर्ट फैकल्टी का होगा तो बहुत सारे बच्चे एलिजिबिलिटी फुलफिल ही नहीं कर पाएंगे, शायद वो आपकी यूपी बीएड का फॉर्म ना डाल सके, और ऐसे कई सारे फॉर्म होंगे जहां पे वो आर्ट फैकल्टी के बच्चे नॉट एलिजिबल हो जाएंगे बेसिकली आपके इस कॉम्बिनेशन की वजह से, क्योंकि आपने पूरा का पूरा मराठी, जापानीज, तेलुगु, चाइनीज इन सब सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बना दिया जिससे इनका फ्यूचर बहुत अच्छा नहीं होने वाला। भाई बात बताओ, आर्ट फैकल्टी के नाम पे आप बस उन्हें फॉरेन और इंडियन लैंग्वेजेस दे दोगे तो भी तो गलत है। आप अगर ऐसा ही करना था तो आप एक लैंग्वेज फैकल्टी बना दो जहां पे वो जाके इंडियन और फॉरेन लैंग्वेजेस जाके बस पढ़ लेते, और कौन सा बहुत बड़ा प्लेसमेंट आप देते हो इन लैंग्वेजेस को पढ़ा के। मैं मानता हूं कि लैंग्वेज जोड़ने से हम लोग कहीं ना कहीं डायनामिक अपना डेवलपमेंट करते हैं, मान लेता हूँ डायनामिक डेवलपमेंट करते हैं। आपको बेसिकली ये भी तो ध्यान देना था कि अगर बच्चा फ्यूचर में बीएड, लॉ, रिसर्च, यूपीएससी में अगर जाना चाहे तो आपने तो इन आर्ट फैकल्टी के बच्चों के साथ स्कैम कर दिया, इनके साथ तो आपने पूरा का पूरा नाइंसाफी कर दिया। ये बच्चे तो अब कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट में नॉट एलिजिबल हो जाएंगे। कोई बच्चा बेसिकली बस पीजी भी करने जाएगा तो आपने वो भी एक मौका इनसे छीन लिया है, क्योंकि कॉम्बिनेशन में आप वो सब्जेक्ट नहीं रखे जिस एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट की वजह से वो वहां पे एलिजिबल हो सकता था। अगर आपके पास सही मायने में थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आपको ये कॉम्बिनेशन इन सब एम की बेसिस पे बनाना चाहिए था। आप ये देखते हैं कि हाँ बच्चा अगर बीएड करने जा रहा है तो चलो कम से कम हम लोग कुछ ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट डाल देते। आप ये देखते हैं कि बच्चा लॉ भी फ्यूचर में, क्योंकि आर्ट्स फैकल्टी का बच्चा क्या कभी लॉ के लिए नहीं सोच सकता है भाई। आप उसके लिए आगे के दरवाजे खोलोगे ना कि हाँ इसको पॉलिटी दे देते हैं, आगे चल के लॉ भी कर लेगा ये, उसका कहीं ना कहीं उसी वे में पढ़ाई हो जाती। आप अगर इसको इकोनॉमिक्स दे देते तो हो सकता है आगे चल के वो आपके पास मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स कर लेता, या फिर वो कम से कम कोई भी मैनेजमेंट कोर्स कर सकता था इकोनॉमिक सब्जेक्ट के बेसिस पे, क्योंकि बहुत जगहों पे मैनेजमेंट में यानी एमबीए वगैरह में ऐसे कुछ और मैनेजमेंट कोर्सेज में इकोनॉमिक्स को लोग प्रायोरिटी देते हैं।
रिसर्च में कभी बच्चा बाद में नहीं सोच सकता है कि अब इस बचे हुए सब्जेक्ट में जो आपने निकाल लिया उसमें वो रिसर्च कर सकता है, पूरे रास्ते बंद कर दिए। आपने यूपीएससी में बहुत सारे एसे राइटिंग जीएस पेपर के ऐसे जो पेपर होते हैं, जीएस पेपर जो होते हैं, वहां पे कहीं ना कहीं फेवरेबल हो जाता है वो सब्जेक्ट बच्चा पढ़ लेता है, तो कहीं ना कहीं वो एक फ्लो स्ट्रीमलाइन हो जाता है, आप उसको भी रिपेल कर दिए तो कहीं ना कहीं यूपीएससी में भी ये चीज कहीं ना कहीं घाटा हुआ है, वन डे एग्जाम में घाटा हुआ है, ऐसे बहुत सारे जगहों पे नॉट एलिजिबल हो गए। क्योंकि मैं खुद बच्चों को कई सालों से गाइड कर रहा हूँ तो मुझे समझ में आता है कि इन इन यूनिवर्सिटीज में इन इन जॉब में ये एलिजिबिलिटी होती है। तो यहाँ पे ये गड़बड़ी हुआ है कि सोशल फैकल्टी में अगर आप 18 बच्चों के लिए बस अच्छे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना दोगे तो ये 25 बच्चे कहाँ जाएंगे जिनके लिए आपने कॉम्बिनेशन बेसिकली फॉरेन लैंग्वेज और इंडियन लैंग्वेज के बना दिए। क्या बस वो फिलोसफी, मैं मानता हूं कि हर एक कॉम्बिनेशन को बैलेंस करना चाहिए, बस फिलोसफी पढ़ा के, बस हिस्ट्री आप आर्ट पढ़ा के, बेसिकली इन्होंने अभी करंट में बस 3 या 4 सब्जेक्ट रखे हुए ठीक ठाक जिसमें फिलोसफी है, हिस्ट्री ऑफ आर्ट है, ध्यान देना वो हिस्ट्री ऑफ आर्ट है, वो हिस्ट्री नहीं है, वो AISC है, वो हिस्ट्री नहीं, उसमें आपको एशियन हिंदी हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है। बच्चों को भी पता नहीं बेसिकली कि ये सब सब्जेक्ट्स होते कैसे, एक बच्चे को तो लगा कि हिस्ट्री ऑफ आर्ट मतलब हिस्ट्री ही होता है, नहीं भाई हिस्ट्री अलग होता है, हिस्ट्री ऑफ आर्ट अलग होता है, उसमें हम लोग हिस्ट्री का जो भी हिस्ट्री ऑफ आर्ट का मतलब ये है कि हम लोग हिस्ट्री में जो आर्ट है उसकी स्टडी करते हैं, लेकिन हिस्ट्री में हम लोग इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन में भी जो हम लोग का एंशियंट होता है, मिडावल होता है, मॉडर्न, सब हम लोग पढ़ते हैं उसमें। तो कहने का मतलब यह है कि जो स्कैम हुआ वो आर्ट फैकल्टी के 2024 के बच्चों के साथ हुआ, जो कि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को बताना पड़ेगा, आप इसका पूरा एक ड्राफ्ट लेके आओ फाइनली, फिर उसके बाद इसका फाइनल एक जो प्रेस रिलीज है वो लोगों के बीच में डालो कि आने वाली जो जनरेशन है 2025 में 26 में उन्हें पता चले कि आर्ट फैकल्टी में आप सब्जेक्ट नहीं रह गए हैं, अब उन्हें बस सोशल में जाना है, आप सोशल फैकल्टी में खामा खा भीड़ पढ़ा रहे हो। भाई आप बैलेंस करते दोनों फैकल्टी को, आप खुद ही बोलते हो कि आर्ट फैकल्टी मदर फैकल्टी है, अगर आर्ट फैकल्टी मदर फैकल्टी है तो आप इस फैकल्टी को क्यों मार रहे हो, फिर आप इस फैकल्टी से सब्जेक्ट क्यों हटा रहे हो, आप इसमें और सब्जेक्ट जोड़ोगे कि निकालोगे, सिंपल सा फंडा है। तो मैं निवेदन करूंगा जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि चूंकि अभी मेरे बहुत सारे वीडियो जो है बेसिकली जहां पे मैं चूंकि कमियों को दिखाया हूं, जहां पे गड़बड़ियां की हैं वहां पे मैं आपका नजर ले गया हूं, बहुत अच्छे व्यूज आए हैं, मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप लोग यूजीसी को टैग करो, एजुकेशन मिनिस्ट्री को टैग करो, बीएचयू के वीसी को टैग करो, और आप इनसे जवाब मांगो कि ये जो सब्जेक्ट हटाए गए आर्ट फैकल्टी से वो किस बेसिस पे हटाए गए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बेसिस पे अगर हटाए गए हैं तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दरवाजे बंद कर रहा है। और मैं कह रहा हूं कि चलो ठीक है आपने हटा दिया मीटिंग करके, आपने ये चीजें बच्चों को आज के 5 दिन पहले क्यों नहीं बताया, आपने ये चीजें काउंसलिंग के पहले क्यों नहीं बताया, ये बच्चा अगर कोई एक बच्चा भी ऐसा है जो कि मेरे पास ऑलरेडी है जिन्होंने सोशल का फॉर्म नहीं डाला ये सोच के, अरे सर हमारा तो हिस्ट्री आर्ट फैकल्टी में भी कुछ सब्जेक्ट मिल जाएंगे मेरा काम चल जाएगा, लेकिन आप वहां से इकोनॉमिक्स हटा दिए, स्टेट्स हटा दिए, मैथ हटा दिए, तो ऐसे में तो भाई कहीं ना कहीं आपने स्कैम ही तो किया है। तो मैं चाहूंगा कि इन गड़बड़ियों पर बीएचयू एडमिनिस्ट्रेशन विचार करे और कोशिश करे कि इसको सुधार करे, और हाँ अब कम से कम एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाले कि फाइनली ये सब्जेक्ट हम लोगों ने निकाला है या आगे आने वाले समय हम लोग जोड़ देंगे, जिससे कि कम से कम बच्चों का भविष्य थोड़ा सा बन जाए। तो निवेदन है कि अगर आप विद्वान हैं, आप सच में एक्सपर्ट हैं, तो आप कॉम्बिनेशन ठीक से बनाइए, अगर आपको उसमें भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कम से कम लोगों से हेल्प ले लो, आपके बहुत सारे प्रोफेसर ऐसे हैं जो इसमें निपुण है, कहीं ना कहीं आप ये आइडिया मेरे से ले सकते थे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे आप ले सकते थे जहां पर चीजें अच्छे से हो सकती थी। अगर आपको एक्सपर्टीज नहीं है तो आप ये प्रेफरेंस क्यों बना रहे हो, आप ये कॉम्बिनेशन क्यों बना रहे हो, बेसिकली आप फैकल्टी को मारने के लिए बना रहे हो। कल को कोई एलुमनाई होगा अगर कोई बोलता होगा कि हमने तो वहां के इकोनॉमिक्स से पढ़ा हुआ है, बी आर्ट फैकल्टी से, आप वो नहीं कह सकता है क्योंकि आपने इकोनॉमिक्स को हटा दिया है, सोशियोलॉजी को हटा दिया है, आपने साइकोलॉजी को हटा दिया। तो भाई ये सब चीजें बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, मैं चाहूंगा कि ये चीजें ट्रांसपेरेंसी के साथ लोगों के बीच में आना चाहिए। आपने सब्जेक्ट हटाए उससे मुझे एतराज नहीं है, लेकिन किस बेसिस पे हटाए और आप किस समय हटाएं इससे मुझे प्रॉब्लम है। ये चीजें सही समय हटानी चाहिए थी क्योंकि बच्चों के साथ ये सामने नहीं रखी गई थी ट्रांसपेरेंसी के साथ, ये आपने बहुत बाद में बताया जब गूगल फॉर्म गया कि हाँ हम लोग मेजर और माइनर के बेसिस पर सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं और ये सब्जेक्ट हम लोग अब नहीं देंगे फाइनली फ्यूचर में या 2024 बच्चों के साथ, तो इन बच्चों को पता नहीं। और जितने यूट्यूब चैनल है मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बेसिकली आर्ट फैकल्टी को जिंदा रखना चाहते हो तो इस पर वीडियो बनाओ, और जो भी यहाँ पे संगठन चल रहे हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आर्ट फैकल्टी को जिंदा रखना चाह रहे हो तो आप इसका विरोध करिए या फिर इसका जवाब मांगिए।
कि इन्होंने ये जो सब्जेक्ट हटाए किस बेसिस पे हटाए, और ये सब्जेक्ट बेसिस अगर हटाया गया तो सही समय पे क्यों नहीं हटाया गया, क्योंकि 2024 बच्चे तो भुक्तभोगी हो जाएंगे, आने वाला बच्चा जो 25 में है वो तो मेंटली प्रिपेयर रहेगा कि चलो हमें अब जाना ही नहीं है, क्योंकि हम बाद में कहीं ना कहीं नॉट एलिजिबल कहीं कहीं हो सकते हैं। लेकिन 2024 के बच्चे तो भाई कहीं ना कहीं फंस गए ना एडमिशन लेके, आप इतने स्पॉट इतने मॉप अप क्यों राउंड ले आए, क्योंकि आपकी सीटें फुल नहीं हो रही, क्यों, क्योंकि आप ऐसे छोटे सब्जेक्ट बना के रखे हुए, तो प्रॉब्लम तो होगा ही भाई। तो मैं चाहूंगा आर्ट्स फैकल्टी की क्वालिटी को बनाया जाना चाहिए, ना कि आर्ट्स फैकल्टी क्वालिटी को गिराया जाना चाहिए। तो मैं निवेदन करूंगा बीएचयूबीसी साहब से कि इस पे आप कम से कम एक बार विचार करें, और जो लोग भी इसमें है उनसे आप एक बार बात करके विचार विमर्श करके इसको ठीक करने की कोशिश करें, या कम से कम जवाब दे पब्लिकली, प्रेस रिलीज निकालें, ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकालें कि हाँ फाइनली ये चीजें ऐसी हुई है। तो मैं चाहूंगा कि प्लीज इस वीडियो को हर एक बच्चा शेयर करें, अपनी स्टेटस पे लगाएं, और कम से कम अपना एक्स ओपन करो और बीएचयूबीसी को टैग करके जवाब मांगो। तो मुस्कुराते रहिए, बहुत से शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ज्यादा फैक्ट नहीं लाया हूं, लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन मुझसे इस पे फैक्ट मांगता है तो मैं फ्यूचर में इस पे फैक्ट ला के दे सकता हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लास्ट का रेफरेंस डाल दूंगा, आप देखो कि इकोनॉमिक्स के साथ कितने अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स आर्ट्स फैकल्टी में थे जो कि बच्चा लेके कहीं ना कहीं अपना फ्यूचर बना सकता था। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा उस वीडियो को भी जरूर देखें, इस वीडियो को अपने स्टेटस पर लगाएं, शेयर करें, बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि एक लाइक से वीडियो होम पेज पर रिकमेंड करता है, इस वीडियो में अगर रीच जाएगी तो दबाव बनेगा, पब्लिक प्रेशर बनेगा और लोगों तक अवेयरनेस फैलेगी। तो मुस्कुराते रहे, बहुत से शुभकामनाएं, हर हर महादेव।